देखिए, आप जानते हैं राहुल गांधी जी ने एक यात्रा की शुरुआत की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और अब हम लोगों ने पूरे हरियाणा के अंदर और देश भर के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। हम लोगों ने आज, क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती थी, उसके शुभ अवसर के ऊपर हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। संत गुरु रविदास जी की भी यही सोच थी कि छूत अहूत को ख़त्म किया जाए। जो जातियों के अंदर हमारा देश तब बटा हुआ था, उसको जोड़ने का काम उन्होंने किया, और उसी तरह का काम राहुल गांधी जी पूरे देश भर के अंदर कर रहे हैं। हमने उसकी शुरुआत आज रेवाड़ी के अंदर करी है। कल हम लोग ये कार्यक्रम काठमांडू के अंदर करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच में जाकर जो उनकी समस्याएं हैं उनका हम निदान करवाएंगे। विधायक, ये जिलेवार रहने वाला है या पूरे प्रदेश में? देश में देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर ये हो रहा है। इसकी शुरुआत वैसे 1 फरवरी से हो चुकी है, कुछ लोगों ने इसकी कल से शुरुआत करी थी, हम लोगों ने आज इसकी शुरुआत की है और लगातार ये इसी तरह के कार्यक्रम हमारे चलेंगे। देखिए, बजट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि अब की बार फिर एम्स का कोई जिक्र उसके अंदर नहीं है, जो सबसे बड़ी परियोजना इस इलाके के लिए थी, एक लाइफलाइन यहाँ की, मैं कहूँगा हेल्थ के मामले में अगर बनता है तो होगी। और मुख्यमंत्री के घोषणा करने के बाद और उसके बाद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी 2019 के चुनाव के अंदर उसकी घोषणा करी थी, अब उसका जिक्र उसके अंदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ये छलावा पिछले 8 सालों से सरकार कर रही है, उसका सच सब लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी मुझे लगता है एम्स के अंदर, जहां हरियाणा को कुछ नहीं मिला और रेवाड़ी का तो उसके अंदर जिक्र तक नहीं था। आने वाले समय में 23 तारीख को हमारा बजट आ रहा है, उसके अंदर भी हमारी बात रखेंगे कि हमारे ज़िले को जिस तरह से पिछले 8 सालों में कुछ नहीं मिला, कम से कम इस बार मेडिकल कॉलेज या एम्स की जो इन लोगों ने घोषणा करी थी वो ज़रूर बनना चाहिए। OPS की लगातार मांग चल रही है। देखिए, OPS की लगातार मांग चल रही है। हमारी जो सरकारें जहाँ जहाँ हैं, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो और अभी हिमाचल ने बनी है, वहाँ भी OPS लागू कर दिया गया है। और पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि अगर OPS आ जाएगा तो 2030 तक देश कंगालिया हो जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो कम पढ़कर अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर वो देखेंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। कोई कर्मचारी जो 30-40 साल अपना सेवा करता है, उसको अंत के अंदर कम से कम इतना तो मिलना चाहिए सरकार की तरफ पेंशन के रूप में कि वो अपना गुजर बसर कर पाए। सरपंच आज भी रेंटिंग को लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है एक जनप्रतिनिधि जब अपने हकों के लिए रोडों के ऊपर आ जाए, पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा था कि किसान रोडों के ऊपर थे, जवान रोड के ऊपर थे अग्निवीर के मामले के अंदर, और अब सरपंच भी अपनी जायज़ मांगों के लिए कहीं ना कहीं रोडों के ऊपर है। उनकी समस्याओं को मुझे लगता है सरकार को सुनते हुए वापस इस इन टेंडरिंग को लेना चाहिए, क्योंकि 2 लाख रुपए से कम के अंदर आज आप देखिए गली भी नहीं बन सकती है। तो कहीं ना कहीं एक काम को मुझे लगता है कहीं ना कहीं लंबित करने का और अफसरशाही को और हावी करने का काम ये करेगा। दूसरा, किसानों को जिस तरीके से 10 रुपए जो गन्ने के बढ़ा है, क्या लग रहा है 2024 को देखें उनको किस तरीके से? देखिए, 10 रुपये आपके करीबन 80 रुपये बढ़ाए हैं इन्होंने 8 साल के अंदर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत कम है। और सरकार को उस और ध्यान देते हुए जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आप देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कितनी बढ़ गई है गन्ने की खेती की, उसके हिसाब से जो आउटपुट इन्होंने दिया है वो मुझे लगता है बेहद कम है और सरकार को इसे बढ़ाना चाहिए।